नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड से रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। 40 क्वेश्चन जो कि आपका कुल 120 नंबर का होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं दो वीडियो लेकर के आऊँगा इस टॉपिक से रिलेटेड। झारखंड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत करके मैं इस क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट कर पाया हूँ। तो पहला पार्ट आज है जिसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन को देखेंगे, और इसका सेकेंड पार्ट जो है सो आप लोगों को कल आएगा, जो कि आप लोगों को हम कल देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन लिए हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े हैं तो उसका जो लेवल है वो बढ़ता गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो झारखंड राज्य है वो कितना प्रतिशत भारत के कुल क्षेत्रफल का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का आकार इनमें से किनके समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्भुज। यानी कि झारखंड का जो आप मैप देखिएगा वो आपको चतुर्भुज आकार का होगा। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बहुत इजी है कि झारखंड राज्य का जो गठन है निम्नलिखित में से किस दिन को हुआ था। तो आप लोग को बहुत मालूम ही होगा, 15 नवंबर 2000 को जो है दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। वहीं पे चौथा क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है आपको हाथी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है। तो राजकीय पक्षी कौन है दोस्तों, कोयल। यानी कि राजकीय पशु कौन सा है, हाथी, और राजकीय पक्षी कौन सा है, कोयल। देखिए दोस्तों, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंडी पलास। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम इनमें से क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो हैं वो आपको झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापना हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। आप लोग को मालूम होगा कि 1965 में जो है रसिया के सहायता से बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था झारखंड में। वहीं पर मैं आपको नौवां क्वेश्चन है कि झारखंड के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के अंदर एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा मुंडा जो आपको कृषि विश्वविद्यालय है वो किस साल स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, 1980 में इसका स्थापना किया गया था। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहला, कुसुम जोशी। कुसुम जोशी को निर्मला जोशी भी कहा जाता है, बचपन का नाम कुसुम था, तो सिस्टर निर्मला जो है वो कुसुम जोशी को बोला जाता है। उसके बाद है दोस्तों, चुटिया मंदिर किस जिले में है। तो चुटिया मंदिर है जो आपको जो दोस्तों वो रांची में है। रांची में कौन सा है, चुटिया मंदिर। बिहार को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 10। यानी कि झारखंड का 10 ऐसा जिला है जो बिहार के साथ सीमा मिलाती है। वहीं पे आपको 14वां क्वेश्चन है, झारखंड के अंदर कुल कितने जिले उपस्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। यानी कि 24 जिले हैं झारखंड में। झारखंड में इनमें से कितने विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, झारखंड में कुल जो है आप लोगों को 7 विश्वविद्यालय है। इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड से होकर इनमें से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13। यहाँ पर मैं आपको ए में 3 लिखा हुआ है जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13, एक लिखना यहाँ पर मैं मिस हो गया है। झारखंड के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर हुंडरू जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए, रांची। झारखंड में कौन सा जिला जो है सो राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। तो कौन सा जिला में जो है राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबगंज। साहिबगंज में जो है दोस्तों राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 259। उसके बाद है, झारखंड राज्य के कुल कितने अनुमंडल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 35। यानी झारखंड राज्य में कुल 35 अनुमंडल हैं और प्रखंड कितने हैं, 259। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नेतरहाट। झारखंड के कौन सी नदी किकट के नाम से भी मशहूर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी को किकट नदी भी कहते हैं। झारखंड राज्य में किस नदी पर तिलैया विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर। देखिए दोस्तों, वहीं और आखिरी और 25वां क्वेश्चन है, गंगा नदी झारखंड के कौन से ज़िले से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, साहिबगंज। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं, और इसको शेयर भी कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं कल अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।